ठीक है, इससे सीजीएल के अंदर आएंगे आएंगे क्वेश्चन, इसको कुल चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखो ग्रुप आर वर्किंग के अंदर टाइप वन का क्वेश्चन। तो टाइप वन का क्वेश्चन क्या कहेगा पहले इसके बारे में करते हैं, टाइम एंड वर्क का टाइप वन के। इसके साथ में ना दो दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो सीजीएल के अंदर एमटीएस के अंदर सीएचएसएल के क्वेश्चन आए हैं, हर क्वेश्चन के चार टाइपों के क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, रट लेने अच्छी तरह से। उसके बाद जो मैंने आपको शीट दी है 10 बजे से पहले आपको उसके आंसर भेजने हैं, बनाना उसी टाइप के क्वेश्चन है, एक आधे को छोड़ के बाकी 99% क्वेश्चन बनेगा। तो लिखो टाइप वन के अंदर, लिखो क्वेश्चन ग्रुप आर वर्किंग के अंदर, लिखो थ्री मैन और फोर वीमेन, थ्री मैन और फोर वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज, थ्री मैन और फोर वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज। नंबर वन, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। और नंबर टू, इन व्हाट टाइम सेवन मैन एंड फाइव वीमेन कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम सेवन मैन एंड फाइव वीमेन कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम सेवन मैन एंड फाइव वीमेन कैन फिनिश वर्क टुगेदर। देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी कार्य को 43 डेज में करते हैं, और नंबर एक कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो, और नंबर दो इन व्हाट टाइम सेवन मैन एंड फाइव वीमेन। देखो पहले कंसेप्ट समझो, ये तीन लड़कियां इस दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं और हम 20 लड़के इस दीवार को 8 दिन में बना रहे हैं, चाहे लड़कियां बनाए चाहे लड़के बनाए, कुल कार्य क्या रहेगा सेम रहेगा। और का मीनिंग क्या हो गया, थ्री मैन और का मीनिंग क्या हो गया, या तो तीन मैन करेंगे या क्या करेंगे चार वी मैन करेंगे, अथवा का मीनिंग क्या हो गया, या तीन मैन, समझो थ्री मैन और फोर वुमेन किसी कार्य कितने दिन में करते हैं, 43 डेज में करते हैं, ठीक है। चाहे तीन मैन करे चाहे चार वीमेन करे, कुल कार्य क्या रहेगा सेम रहेगा। तो बताओ तीन और चार का कुल कार्य कितना सोचा, 12 सोचा, इससे कितने गुना, चार गुना, इससे कितने गुना हो गया, तीन गुना हो गया, ठीक है। पहली बात तो कभी क्वेश्चन में वर्क एफिशिएंसी रेशियो का मीनिंग समझ आता ही नहीं है, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया, क्या आ गया, 4:3 हो गया। इसका मीनिंग एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है, चार चॉकलेट खा रहा है, और वीमेन कितने खा रहे हैं, तीन खा रहे हैं, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, 12 यूनिट कितने दिन में करते हैं, 43 डेज में, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 12:2 में क्या कर लेंगे, 43 कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, क्लियर है बात। तो 12:2 में 43 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे नंबर दो क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम सेवन मैन एंड फाइव वीमेन, कितने समय में सेवन मैन और फाइव वीमेन कितने समय में करेंगे। पहले सुनो, एक दिन में एक आदमी कितनी चॉकलेट खा रहा है, चार चॉकलेट खा रहा है, तो सात आदमी कितनी खाएंगे बताओ, और वीमेन कितनी खाएंगे, तीन, तो 28 + 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 43। तो 43 से 43 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 12 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, फोर्थ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा फोर 12 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर। पीछे हो जाओ, मुझे दिक्कत हो, थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर बैठो, तो आपको नहीं दिख रहा ना इधर से, हाँ अब बैठो। तो 43 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है बात। नोट कर लो, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। चार और तीन और चार कैल्शियम कितना सोचा, 12, और कुल कार्य कितना हो गया, 12:2 में 43 डेज हो गया। पहले तो क्या था, तीन मैन और फोर वीमेन, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा आशिमा बेटा, सेवन मैन एंड फाइव वीमेन कितने समय में करेंगे, मैन की यूनिट कितनी है, चार है, और वीमेन की यूनिट कितनी है, तीन है, 28 + 15 जोड़ा कितना हो गया, 43। तो 43 से 43 कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नोट कर लो फटाफट इसको। बेटा बात सुनो,
उधर तो आप उधर चले जाओ चेयर पे, पीछे चेयर हाइट में, हाँ उधर कोई नहीं बैठा, उधर चेयर पे है अश्विन, उधर आ जाओ। समझ आ गया? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट कर लिया। तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया था? 4:3 आ गया था। क्या आ गया था? 4:3 आ गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को टिक मार। बस पेपर में ये याद रखना, कितने समय में हाफ ऑफ द काम, ट्रिपल ऑफ द वर्क, ये लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, अगर कहेगा डबल ऑफ द वर्क तो गुना में क्या करते? 2 से। अगर ट्रिपल ऑफ द वर्क पूछते तो किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? चलो रफ कर दे इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आगे बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो। वन मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज, वन मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। वन मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। नंबर एक, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। नंबर टू, इन व्हाट टाइम वन वीमेन प्लस वन वूमेन प्लस वन बॉय कैन फिनिश वर्क टुगेदर। इन व्हाट टाइम वन मैन प्लस वन वूमेन प्लस वन बॉय कैन फिनिश वर्क टुगेदर। ठीक है बेटा, देखो वन मैन और 2 वूमेन और कितना है? 3 बॉयज किसी कार्य कितने दिन में करते हैं? 44 डेज में करते हैं। तो मुझे ये बताओ, 1, 2, 3 का कुल पलवी एलसीएम कितना सोचेंगे? 6 सोचेंगे। क्या सोचेंगे? 6। इससे कितने गुना? 6 गुना। इससे 3 गुना। इससे 2 गुना हो गया। यहां तक समझ आ गया? इसका मीनिंग एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है? 6 चॉकलेट खा रहा है। वीमेन कितनी खा रहा है? 3। और बॉयज कितनी खा रहा है? 2 खा रहा है। तो मैन वीमेन और बॉयज का वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया? 6:3:2 आ गया। क्या आ गया? 6:3:2 आ गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना आएगा? 44:2 में क्या करेंगे? 6 करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम वन मैन प्लस वन वूमेन प्लस वन बॉय। मैन की यूनिट कितनी है बताओ? 6 है। वीमेन की यूनिट कितनी है? 3 है। और बॉयज की यूनिट कितनी है? 2 है। तो कितना आ जाएगा? 6+3+2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11। और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 11 करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 24 डेज हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 24 डेज कौन सी ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पेपर में आया था सीजीएल में ना, 70% इसका ग्रुप और वर्किंग से आए हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन से टाइप की बात कर रहे? टाइप 1 की बात कर रहे थे। क्लियर है बात? क्लियर है? समझ आ गया? अब मुझे 3-4 क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, अब आपने आंसर करके बताना है। नोट कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। किसी को डाउट है पूछना है यहां तक? किसी को डाउट है? डाउट है सर, मीटिंग कर ले मेरी ना, आज क्लास है सर, मैं तो क्लास चल रही है सर। हाँ सर, अरे सर ध्यान ही नहीं रहा सर मेरे को तो इसका, तो मैं सर करता हूँ बात, क्लास से फ्री होकर बात करता हूँ मैं सर आपसे। हाँ ये देखो, इसके बाद ना, ये तो क्लियर है यहां तक, इसमें क्या था? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। लिखो क्वेश्चन, लिखो इसके ऊपर, या यहीं से सोल्व करके बता दो कि लिखो मत, मैंने लिखवा दिया था इसको, क्वेश्चन करके बताओ। आपने फटाफट आंसर लिखना है। 6 मैन और 2 वीमेन और 4 बॉयज। 6 मैन और 2 वूमेन और 4 बॉयज किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 77 डेज में करते हैं। पहले मुझे हेल्प करवाओ, 6, 2 मेरे को हेल्प करवाओ। 6, 2 और 4 का एलसीएम कितना सोचेंगे? 12। इधर ही करके बताओ मुझे, मल्टीपल कितना सोचा? 12। इससे कितने गुना? 2 गुना। इससे 6
छह गुना इसे, तीन गुना, और कुल कार्य कितना हो जाएगा बताओ, 77:12। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम, अरे बताओ इन व्हाट टाइम वन मैन प्लस वन वीमेन प्लस वन बॉय, मैन की यूनिट कितनी है, मैन की यूनिट कितनी है दो, और वीमेन की यूनिट कितनी है छह है, और बॉयज की यूनिट कितनी है दो, तो दो छह और कितना हो गया ग्यारह हो गया, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे ग्यारह करेंगे, तो कितना आ जाएगा 84 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर। अब नोट नहीं करना, आपने आंसर बताना है फट से, करवा दे एक टाइप का क्वेश्चन करवा दे, अब आपने फटाफट आंसर बताना है, तो हमारा सी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आया हुआ ना सी एच एस एल के अंदर आया हुआ था, अब फट से आपको आंसर बताना है, ठीक है, रब कर दे इसको, किसी को पूछना यहां तक क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे फोर बॉयज एंड सेवन गर्ल, फोर बॉयज एंड सेवन गर्ल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, हाउ मैनी डेज विल 12 बॉयज एंड 21 गर्ल कंप्लीट दिस जॉब, तो कितने समय में करेंगे, फटाफट आंसर निकाल के बताओ कितने समय में करेंगे। इसको सोल्व नहीं करना, इसको ऐसे कैसे लिखने, आ जाओ फोर बॉयज और सेवन गर्ल्स किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं, चार और सात का मल्टीपल कितना सोचा, 28 सोचा, इससे कितने गुना, सात गुना, इससे चार गुना। जब भी ऐसी क्वेश्चन आएगी मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, आधा टाइम तो मैं 28 को 18 से मल्टीप्लाई करने में लग जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे का ऐसा लिख लेना है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा बताओ, 28 गुना में कितना आ गया 18, हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 12 बॉयज और 21 गर्ल, 12 बॉयज प्लस में 21 गर्ल्स, बॉयज की यूनिट कितनी है सात है, और गर्ल्स की यूनिट कितनी है फोर है, तो ये कितना आएगा 84 प्लस 84 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 168। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, थ्री डेज हमारा क्या आ जाएगा पक्का, तो थ्री डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थ्री डेज किसमें आ रहा है, ए में, तो ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये इससे छह जाएगा ना, इससे छह गुना छह से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अगर वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा तो कितना आ जाएगा, जो वर्क एफिशिएंसी रेशियो वो मैंने स्किप कर दिया, वो पूछे हुए हैं 5-6 पेपरों में, तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा 7:4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7:4 आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बना लेंगे ना क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे बात बदलते हैं। 16 बॉयज और 12 वीमेन किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, इन व्हाट टाइम 4 बॉयज एंड 4 वीमेन कितने समय में करेंगे, 16 बॉयज और 12 वीमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं, 16 और 12 का एलसीएम कितना सोचेंगे बताओ, 48 सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इससे कितने गुना, तीन गुना, इससे चार गुना, और कुल कार्य कितना हो जाएगा 28 × 48, ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद नंबर दो पे क्या पूछ रहा है बताओ, फोर क्या, ओ सॉरी 28:2 में कितना करता, 28 है ना, तो 28 28:2 में कितना करेंगे 48 करेंगे, क्या करेंगे 48। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फोर बॉय प्लस फोर वीमेन, तो वुमेन की यूनिट कितनी है, बॉयज की यूनिट कितनी है तीन, और वुमेन की यूनिट कितनी है चार है, तो 12 प्लस 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 से 28 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अब, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अब ना टाइप टू लिख लो, ग्रुप आर वर्किंग के अंदर टाइप टू के जो ज्यादातर पेपर आया था ना इसी से आया था, दो तीन क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। तो लिखो ग्रुप आर वर्किंग के अंदर, लिखो टाइप टू का हेडिंग बना लो, लिखो सिक्स मैन एंड एट वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, सिक्स मैन एंड एट वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, while 26 men and 48 women can do a piece of work in 2 days. ठीक है, नंबर ए, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। और नंबर टू, इन व्हाट टाइम 15 men and 20 women can finish work together. In what time 15 men and 20 women can finish work together? ठीक है, पहले ना अर्थ समझो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें क्या था और था, इसमें क्या है एंड, इसमें मिलके कर रही है, क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। पहले इधर सुनो, दस रुपए में 15 टॉफी आती है, 10 मतलब कि 10 मैन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी बताओ कम दिन में करेंगे ज्यादा दिन में, कम दिन में करेंगे, 10 से 40 क्या है 1/4 हिस्सा, तो 15 का क्या निकालेंगे 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहता 30 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 40 तो 60 आदमी क्या करेंगे, कम दिन में करेंगे ज्यादा में, कम दिन में करेंगे, 30 से 60 क्या है हाफ है, तो 20 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। एक ना इंडिया के अंदर यही क्वेश्चन है जो YouTube के अंदर पॉपुलर है, वो पेपर में भी यही आया था, सीजीएल के अंदर पहला क्वेश्चन यही आया हुआ था, एक क्वेश्चन था क्या था पहले सुनो, सिक्स मैन प्लस एट वीमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 days में करते हैं, क्या करते हैं 10 days में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15 men plus 20 women कितने समय में करेंगे, ना तो इससे वर्क एफिशिएंसी रेशियो पता चल रही है, बस एक जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है 6 से 15 कितने गुना है 2.5 गुना, 8 से 20 कितने है 2.5 गुना, 2.5 गुना है ना, तो 10 को क्या करेंगे 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी ए लगेगी, क्या लगेगी ए लगेगी। एक यही क्वेश्चन है जिसका बस एक यही क्वेश्चन है, बाकी अगर यहाँ पे आता 18, अगर यहाँ पे कहता 17 और यहाँ पे कहता 23 तब तो मल्टीपल सोचा ही नहीं जाएगा, तो पूरे का पूरा कंसेप्ट हमारा खराब हो जाएगा। तो कैसे करना है पहले समझो, फिर आपने अगले क्वेश्चन करके बता रहे हैं, ठीक है। पहले सुनो, सिक्स मैन और कितने है एट वो कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद 26 men plus 48 women कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं। अब मेरी एक बात सुनो, 6 men 10 दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे, अरे 6 men 10 दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे 60, 6 × 10 करा कितना हो गया 60 हो गया, क्या हो गया 6, वुमेन कितनी खाएंगी दिव्या 80 खाएंगी, क्या खाएंगी 80। इधर 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 52 और इसके में कितना खाएंगे 96 खाएंगे, क्या खाएंगे 96 खाएंगे। समझ आ गया। ऊपर किसका कार्य ज्यादा है मैन का और नीचे किसका कार्य ज्यादा है वुमेन का, तो साइड में एक नोट लिख लो, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन वी टेक एनी डिफरेंस, When in the given question we take any difference, then we always return the ratio in reverse order. जब भी क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंस लेते हो तो रेशियो को हमेशा क्या लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं उल्टा लिखते हैं।
ठीक है। उल्टा क्या होता है, क्योंकि 2x इक्वल टू 3y, तो x रेशो y कितना हो जाएगा। व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन वी टेक एनी डिफरेंस देन वी ऑलवेज रिटर्न द रेशो इन रिवर्स ऑर्डर। जब भी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस लेंगे तो रेशियो को हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा। मैंने बताया था ना 2x इक्वल टू 3y है, तो x रेशो y कितना हो जाएगा 3:2। x वाली y वैल्यू में लिखेंगे, y वाली वैल्यू x में लिखेंगे। अब नीचे किसका कर है, ऊपर किसका कर है ज्यादा है बताओ। 60 में से 52 गया कितना आ गया, 8 आ गया। 60 में से 52 गया कितना आ गया, 8। इधर बताओ 89 में से 96 गया कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो क्या लिखेंगे, उल्टा। तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो नोट कर लो उनका वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। क्या आ गया, 2:1 हो गया। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। सिंपल है, कुछ नहीं करना। 6 × 10 = 60, 8 × 10 करेंगे 80। ये कितना आ गया 52 और ये 96। तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। क्या आ गया, 2:1 आ गया। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, अब देखो अब नंबर दो देख, ये वर्क एफिशिएंसी रेशियो तो आ गया। अब सुनो, चाहे 6 मैन है, चाहे 26 मैन है, चाहे कौन कर रहा है, कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें कुल कार्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले समझो, अब लिखना नहीं है। मैन की यूनिट कितनी है, अरे मैन की यूनिट 2 आई है, और वीमेन की यूनिट कितनी आई है, 1 आई है। किसी मर्जी में इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो। इधर समझो पहले, 6 × 2 करा कितना हो गया, 12, प्लस 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 20, 20 × 10 करेंगे कुल कार्य कितना हो गया, 200 हो गया। क्या हो गया, 200। इसमें वैल्यू पुट करो, 26 × 2 52 प्लस 48 100। 100 × 2 करेंगे तब भी कुल कार्य क्या आएगा, 200 आएगा। क्या आएगा, 200। किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, 6 men + 8 women कितने दिन में कर रहे हैं, 10 days में, तो यूनिट कितनी है, वैल्यू पुट करेंगे बताओ मेरे को, तो कितना हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 × 10 करेंगे कुल कार्य हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने समय में 15 मैन और 20 वीमेन कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा बताओ, 15 मैन प्लस 20 वूमेन, मैन की यूनिट कितनी है, 2 है, और वीमेन की यूनिट कितनी है, 1 है। क्या है, 1 है। तो 30 प्लस 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो गया, 50 हो गया, और कुल कार्य हमारा कितना है, 200। तो 200 को क्या करेंगे दिव्या, 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। कुल कार्य कैसे निकाले, जो वर्क एफिशिएंसी रेशियो आए ना, किसी मर्जी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो 6 × 2 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 × 10 करेंगे तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200। या इसमें इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो तो एक ही बात है। क्लियर है, नोट कर लिया सबने।
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे लिखो क्वेश्चन लिखो, आगे लिखो। फोर मैन एंड सिक्स वी मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। फोर मैन एंड सिक्स वी मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, वाइल थ्री मैन एंड सेवन वी मैन While three men and seven women can do a piece of work in 10 days. Number एक, calculate their work efficiency ratio. Calculate their work efficiency ratio. Number टू, in what time 10 women can finish work together? इन वट टाइम 10 वुमेन कैन फिनिश वर्क टुगेदर। अब ध्यान से समझना है क्या कह रहा है। फोर मैन प्लस सिक्स वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 डेज में करते हैं। वाइल थ्री मैन प्लस सेवन वुमेन कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में करते हैं। क्या करते हैं? 10 डेज में। ये कितना हो गया? 32 हो गया। यहां तक समझ आ गया? ये बताओ मेरे को, बताओ 48 बताया करो। ये 30 हो गया, ये कितना आ गया? 70। ये 70 कैसे आया? 10 गुना 7 करा 70, 30 गुना 10 करेंगे 30। इसमें कितने यूनिट का अंतर आ गया? 2 का। इसमें कितने का अंतर आ गया? 22 का आ गया। क्या आ गया? 22 का आ गया। ठीक है, अब मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो क्या लिखेंगे? उल्टा। तो 22:2 करेंगे तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया? 11:1 आ गया। इसका मीनिंग एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है? 11। और वी मैन कितनी खा रहा है? एक खा रहा है। तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया? 11:1 आ गया। क्या आ गया? 11:1 आ गया। यहां तक समझ आ गया? अब किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। कैसे करेंगे आप बताओ? क्या नाम है आपका? अरे नाम बताओ। मोना। मोना कैसे करेंगे बताओ? हाँ, 11 गुना 4 करा कितना हो गया आशिमा? बताओ। 44। 44 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना हो गया? 50। 50 गुना 8 करेंगे कुल कार्य कितना हो गया? 400 हो गया। कितनी भी मैन ने करना है? 10 ने। वी मैन की यूनिट कितनी है? 1। तो 400/10 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो वैल्यू पुट करेंगे फोर मैन प्लस सिक्स वी मैन का, 8 डेज में करते हैं। बताओ 4 गुना में 11 प्लस में 6 गुना में 1, तो 44 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। 50 गुना 8 करेंगे तो कुल कार्य कितना हो गया? 400 हो गया। क्या हो गया? 400। कितनी भी मैन ने करना है? 10 ने। तो 40 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 400/10 करेंगे तो 40 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन आपने करके बताना, लिखना नहीं है, शीट के अंदर है जो सीजीएल है या सीएचएस के क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे टाइप 3 पे चलते हैं फटाफट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करके बताओ। यही थे जो बाकी सारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, 1:12 का भी क्वेश्चन करवाया था ना, 6 men and 8 boys कैन डू, अभी करवाया तो उसी टाइप का क्वेश्चन था ना जिसका हमने 4 दिन आंसर निकाला था। ये तो वही सेम क्वेश्चन था जो करवाया था, लिखने की जरूरत। ये अभी ये तो लग रहा सर ने आगे लिख दिया 1:12 2022 का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर देखो, बाकी जो मैंने करवा दिया 99% क्वेश्चन करवाए हैं, जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया ताकि कैलकुलेशन करोगे पता चल जाएगा। चलो बना के दिखाओ। 12 men और 12 women है, किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? हाँ जी, 9 डेज में करते हैं। क्या करते हैं? 9 डेज में करते हैं। 6 men 15 women 12 डेज में करते हैं। क्या करते हैं? 12 डेज में। अब मेरे को करके बताओ, इधर देखो 12 गुना 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 108। इधर भी 108 लिखो मत, इधर सोल्व करके बताओ। ये कितना आ गया? 72। और ये कितना आ गया? 12 गुना 15 करेंगे 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180। 108 में से 72 चला जाएगा, कितना आ जाएगा?
36 आ जाएगा और इधर ये चला जाएगा तो कितना 72 आ जाएगा। तो मैन और वीमैन का वर्क एफिशिएंसी रेशो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे 70, तो रेशो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब जिसमें मन करे उसमें कार्य डाल लेंगे, 12 × 2 = 24 + 12 = 36, 36 × 9 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा कुल कार्य आ जाएगा। कैसे निकाला बताओ, 12 × 2 = 24 और 12 × 36 = 9 करेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 वीमैन ने हाफ ऑफ द वर्क करना है, यही गलती देखो ये लोग पढ़ते नहीं है। हाफ ऑफ द वर्क है ना, तो उसका क्या करेंगे हाफ करेंगे, क्या करेंगे तो 12 कितने ने करना है, 9 वीमैन ने करना ना, वीमैन की यूनिट कितनी है 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, हाफ ऑफ द कार्य करना है ना, तो ये कितना आ जाएगा 18 दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 दिन। तो 18 दिन कौन सा बनेगा, सी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये याद रखना पेपर में डबल ऑफ द वर्क और हाफ ऑफ द वर्क है ना। अब देखो 36 भी दे रखा है, अरे समझ रहे हो ना, 36 तो लोग 99% 36 ही लगा के आते हैं क्योंकि इतना तो देखते नहीं, हाफ ऑफ द वर्क है। तो इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में हाफ दे रखा है डबल दे रखा है, तो अगर डबल होता तो गुना में क्या करते 2, हाफ हो गया तो इसलिए किससे डिवाइड करा 2 से डिवाइड करा, तो हमारा कितना आ गया 18 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, एक शॉर्ट फॉर्म में और क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। अब आपने आंसर निकालना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, लंबा नहीं लिखना, आंसर निकालना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सीजीएल के अंदर आया हुआ, लॉन्ग कैलकुलेशन है, चलो करके बताओ। 25 मैन और 45 वुमेन 15 दिन में करते हैं, 15 मैन ट्वेंटी डेज में करते हैं। ये आज क्लास YouTube पे डाल दूंगा क्योंकि ये जरूरी है, देख लेना क्वेश्चन, ठीक है, YouTube पे भी डाल दूंगा, आप भी देख सकते हो YouTube पे, ठीक है। चलो करके बताओ फटाफट, मोना 25 × 15 करेंगे कितना आ जाएगा 375, 375 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 375, और 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 675 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 675। इधर बताओ 20 × करेंगे 300 और इधर 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1200। इसमें कितने का अंतर आ गया 75 का, इसमें कितने का, पक्का मरवा मत देना, 525 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 525 आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड होंगी ऑनलाइन भी बच्चे हैं। तो अब मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे 25:75, कटेगा किसी पे ये, ये तो ये 25 से 75 हो गया, 25 × 50 7:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7:1 आ जाएगा, ठीक है साथ पे, हाँ 7:1 आ गया। अब हमें कुल कार्य निकालना है, क्या निकालना है, किसी मर्जी में इक्वेशन पुट कर दो, इधर वैल्यू पड़ेंगे 15 × 7 कितना हो गया 105, 105 + 7 = 165, 165 × में क्या करेंगे 20 करेंगे, क्या करेंगे 20 करेंगे। यहां तक समझ आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया टोटल वर्क। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 60 मैन प्लस में 60 वुमेन, मैन की यूनिट कितनी है 7 है, तो 69:7 और 67:1 में 1 करेंगे, तो बताओ कितना आएगा 69 को 7 से टोटल ऐड करके कितना आएगा 550 आएगा, क्या आएगा 550 आएगा। कट रहा है किसी से ये 0 से 0 चला जाएगा, हाँ जी 11 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा टोटल कितना आएगा काट के, टोटल काट के 10 दिन आ जाएगा मेरे, 6 दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है क्या ऑप्शन में 6 दिन, तो डी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
एक यही क्वेश्चन था जिसके अंदर कैलकुलेटिव था ये वाला, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये टोटल कितना आ गया, 550 आ गया, क्या आ गया 550, और कुल कह रहा है 165 बटा में 20 तो डिवाइड बाय 550 करेंगे तो 6 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक यही क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था पेपर के अंदर, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे बात बदलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके बताओ, ये तो अभी करवाया था ना 3 men और 7 जिसका 40 दिन आंसर लगा ला था 11:1, ये भी CHSL के। अब क्या रहा, जो पहले क्या था CGL के अंदर क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपके जो पढ़ाए हुए वही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर, इसका निकाला था ना 40 दिन। एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ, देखते कुछ नया क्वेश्चन आया तो, बाकी आपने करके बताना जिसकी। चलो यही क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, 8 girls प्लस 12 boys किसी कार्य कितने दिन में करते, अपना अपना बनाओ मेरे को मत देखो, 4 दिन में। 10 girls प्लस 6 boys किसी कार्य को 6 दिन में करते, चलो लिख दिया फटाफट करके बताओ। 8 × 4 करा 32, ये 48 हो गया, ये 60 हो गया, ये 36 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया, ये कितना हो गया 12 आ गया, क्या आ गया 12। तो 12 मैन और गर्ल्स और बॉयज का रेशो क्या आ जाएगा 12:28, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3:7, यही आएगा ना पक्का। गलती करी है तुमने लग रहा है, 36 जाएगा तो 12 ही आएगा, तो 12 ही तो लिखा हमने भी। क्या हो गया 12 ही तो लिखा है, तो 12 ही तो लिखा 12:28। ठीक है, तो रेशो क्या आ गया 3:7 आ गया, क्या आ गया। अब वैल्यू पुट करो इसमें, इधर इधर इजी वाले में कर लेते, 10 × 3 = 30 + 42 72, और 72 गुना में क्या करेंगे, अरे एसी बंद हो गया सरदार जी एसी चलाओ, 70 गुना में क्या करेंगे 6 करेंगे, क्या करेंगे 6 करेंगे। यहां तक समझ आ गया। अब नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 girls और 3 boys, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है बताओ 3 है, और बॉयज की वैल्यू कितनी है 7 × 3 करेंगे ना 15 + 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 36 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 12 दिन हमारा आंसर आ रहा है क्या, 12 दिन किस में आ रहा है ए में, तो ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना तो मुश्किल है ही नहीं है, पहले वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालने फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये ग्रुप आर वर्किंग के ना टाइप 3 के क्वेश्चन आगे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है टाइप 3 के, हमने कितने भागों में बांटा है 4 parts के अंदर डिवाइड, एक तो टाइप 1 कर लिया टाइप 2 कर लिया उसके बाद कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो 12 men can do a piece of work 12 men can do a piece of work in 7 days 12 men can do a piece of work in 7 days They work for 2 days 12 men can do a piece of work in 7 days They work for 2 days After that 3 more men enter the work Calculate the time in which remaining work will be finished 12 आदमी किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, वे 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद 3 आदमी और आगे, तो आपको बताना है बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 12 आदमी 7 दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे 84 चॉकलेट खाएंगे, यहां तक समझ आ गया। 12 आदमी 7 दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे 84 चॉकलेट खाएंगे। 12 मैन ने
दो दिन तक काम करा, कितना करा? 24 करा। कुल कार्य कितना था? 84, 24 हो गया। बाकी रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 60 रह गया। पहले कितने आदमी थे? 12, 3 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 15। और बचा हुआ कार्य कितना है? 60 है। तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? 1 लगेगी। क्या लगेगी? 1 लगेगी। 12 आदमी 7 दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे? 84 खाएंगे। 12 मैंने 2 दिन तक काम करा, कितना करा? 24। 84 में से 24 हो गया, बाकी कितना रह गया? 60। पहले कितने आदमी थे? 12। 3 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 15। तो 60 बटा 15 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। हाँ, एक ही रहती है वर्क ऑप्शन। जब इसमें 4 मैन प्लस 6 वी मैन तब उसमें निकलते, इसमें तो एक ही मान के चलते हैं हम क्वेश्चन। चलो समझ आ गया। एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ। अब तो समझ आ रहा होगा, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब ना सिलेबस की टेंशन, सिलेबस तो मैं 2 महीने में से पहले पहले वादा रहा खिंचवा देंगे। सिलेबस की टेंशन मत लो। अब मेंस के लिए पढ़ रहे हो, ये सोचो प्री तो हो ही जाना है। प्री तो अब यूट्यूब पे क्लासे लगा रहा, उसमें हो जाएगा अपना काम। हमें मेन मेंस के अंदर फोकस करना, क्योंकि जितने भी बच्चे थे 99% बच्चे मेंस नहीं उठा पाए हैं। आप इससे प्री तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। उसको तो 130 नंबर वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है? आ जाएंगे 100%। मैंने जीके भी अब हम ही पढ़ाएंगे शाम को यूट्यूब पे, तोते की तरह रटवा देंगे। कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर से नहीं, सब उसी से ही आएगा पेपर, देख लेना। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। बस जो शाम को क्लास लगाते हैं ना वो मिस मत करा, जब बोलता हूं तब लगा लिया करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो। 50 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 50 men can do a piece of work in 40 days. 50 men can do a piece of work in 40 days. They works for 10 days. After that, 20 men left the work. Calculate the time in which remaining work will be finished. कितना आएगा? हाँ देखो, 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। कुल कार्य कितना हो गया बताओ? 2000 हो गया। क्या हो गया? 2000 हो गया, ठीक है? 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करेंगे, कुल कार्य कितना हो गया? 2000 हो गया। 50 आदमियों ने 10 दिन तक काम करा, कितना हो गया? 500 हो गया। क्या हो गया? 500। कुल कार्य कितना था? 2000। 500 हो गया, बाकी कितना रह गया? 1500 रह गया। क्या रह गया? 1500 रह गया। समझ आ गया? पहले कितने आदमी थे? 50 से 20 छोड़ के चले गए, कितने रह गए? 30 रह गए। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन लगेगी आपकी? सेकंड आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 50 डेज आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे नोट कर लिया था ना ये वाला, ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 25 men can do a piece of work in 30 days. 25 men can do a piece of work in 30 days. In what time double of the work done by 15 men? 15 men. In what time double of the work done by 15 men? ठीक है, देखो 25 मैन किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, कुल कार्य कितना हो गया? 750 हो गया। क्या हो गया? 750 हो गया। डबल ऑफ द वर्क कितना हो गया? 1500 हो गया। क्या हो गया? 1500 हो गया। यहां तक समझ आ गया? कितने आदमियों ने करना है?
15 तो डिवाइड बाय 15 करेंगे कितना आ जाएगा 100 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी सेकंड आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा क्लियर है। तो 25 गुना 30 करेंगे 750 डबल ऑफ द वर्क कितना हो गया 1500 तो 1500 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात नहीं आया समझ आ गया सबको क्लियर है। ये तो मैंने अपने आप से बनाए हुए थे अब जो पेपर में आए थे 2-3 क्वेश्चन वो आपको करके बताना है नोट नहीं करना नोट शीट में है आपको करके बताने हैं ठीक है। चलो देखो जो मुश्किल होगा वो बता देंगे 450 मैन है किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा बताओ 450 गुना में 20 हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया इसको लिखना नहीं है लिखना नहीं है ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको। अरे मैं कह रहा हूं मल्टी लिखना इसको ऐसे ऐसे लिख लेना मल्टीप्लाई नहीं करना कितने आदमियों ने करना है 20 कहां दे रखा है 30 दे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा बताओ 15 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा बी लगेगा क्या लगेगा बी लगेगा। क्लियर है बात क्लियर है 450 गुना में 20 तो अपॉन में 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा क्या आ जाएगा 300 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आगे 40 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 40 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं कुल कार्य कितना हो गया 600 हो गया क्या हो गया 600 थ्री डे आफ्टर इसका मीनिंग 40 मैन ने कितने दिन तक काम करा 3 दिन तक काम करा कितना काम करा बताओ 40 ने 3 दिन तक कितना कार्य करा 120 600 में से 120 हो गया बाकी कितना रह गया 480 रह गया क्या रह गया 480 रह गया। यहां तक समझ आ गया 480 के बाद किससे डिवाइड करेंगे 20 मोर मैन एंटर हो गए पहले कितने आदमी थे 40 थे तो 20 और हो गए कितना हो गया 60 तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 दिन आ गया क्या आ गया 8 दिन आ गया। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड तो टोटल दिन काउंट करना है पहले 3 दिन करा था ना पहले 3 डेज करा था और 8 दिन ये हो गए तो 3 के अंदर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 डेज हमारा आंसर आ जाएगा तो सी आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तुमने सीधा 8 ही लिखना था वैसा पता है आपको अगला तो दिमाग लगाना ही नहीं तभी तो गलती करते हम पेपर के अंदर तो क्योंकि 8 आगे आगे नहीं देखेंगे टोटल वर्क कितना आ रहा है तो टोटल 3 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा क्या आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। क्लियर है क्लियर है आपको नहीं समझ आ रहा क्या आ गया चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो इजी है बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो 15 मैन किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो कितना होगा 75 75 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बड़े नेक्स्ट टाइप पे बड़े चलो आगे नेक्स्ट लिखो टाइप 4 एक ना ये वाला क्वेश्चन करके बता दो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को लिख लो साथ में या ओरल करने की कोशिश करो ठीक है। ए कैंप ऑफ 250 शोल्डर हैज फूड फॉर सॉरी सोल्जर सोल्जर है फूड कितने दिनों के लिए 600 दिनों के लिए क्या 600 दिनों के लिए भाई सुबह से पढ़ा रहे हैं नो स्टॉप पूछ लो आप खड़े होके बोलना हंसना बहुत ईजी है खड़े होके पढ़ा के देखो पता चल जाएगा तुमसे बहुत ज्यादा विशेंट हूं मैं यहां भी पढ़ाता हूं जिम भी करता हूं बच्चे को अपने लॉन टेनिस भी सिखाता हूं उसके बाद रात को भी पढ़ाता हूं ऑनलाइन तेरा पैसा ही नहीं है आप आयो मैंने कोई इंक्वायरी फॉर्म भरवाया है आप भाग भी जाओगे कहां से ढूंढेंगे मैंने आपका नाम पूछा है क्या ये 420 वाले काम नहीं आए ईमानदार भूत है तभी मार्क आपका तीसरा दिन है चौथा दिन आपसे इंक्वायरी फॉर्म भरवाया है मैडम ने पूछा कहां से आए हो क्या करते हो आपका मैडम वही आप मानते हो जहां पे आती पैसे लूट ले तुमसे वो इंस्टीट्यूट अच्छा है तो पढ़ाई से कोई मतबल नहीं है उनको फैक्ट बता रहे हैं अब सुबह से बोल के देखो पता चल जाए यहाँ पे हिट बहुत निकलती है खड़े हो यहाँ पे पता चलेगा तुम्हें यहाँ पे हंसना बहुत ईजी है एक तो सही बता रहा कोई अगर पढ़ा दे सब 10 लाख रुपए इनाम दे देंगे अगर इस तरीके से पढ़ा दे
सबने टीचर किराए के रखे हुए, मैंने कौन सा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, पर आपका पेपर क्वालिटी उसके लिए खुद पढ़ना पड़ता है मेरे को। मैंने कल करवाए ऐसे क्वेश्चन, उसके पहले एनालॉजी के क्वेश्चन देखे थे कैसे सीजीएल के मार रहा था क्वेश्चन। पेपर हंसना बहुत ईजी है, पेपर दोगे तो वैल्यू समझोगे। इसके ओनर हम है, हम हमारे घर वाले, हमें 1.5 साल हो गए, हमने बच्चे 1.5 साल हो गए पंजाब नहीं गए। घर वाले कहते हैं आ जाओ, हम इधर चले जाएंगे देखेगा कौन। पेरेंट्स कहते हैं तुम इतनी वो नहीं है, टीचर रख लो जी मैथ वाला, हमें पता उसने क्या पढ़ा रहा है, मुझे तो अपना 1 घंटा देखना, चलो जी काम खत्म खत्म चलो। एक कैंप कितने 250 शोल्डर हैज फूड फॉर 600 डेज के लिए, तो कितना हो गया बताओ कुल कार्य कितना हो गया, 250 गुना 600 करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 150,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 150,000 आ जाएगा। आफ्टर 60 डे 50 शोल्डर लिफ्ट। आप मैडम कल नहीं आए, आपको मैंने बोला ना ये क्लास देख लेना, फीस आगे नहीं पढ़ोगे मेरा क्या लेके जाओगे। आप आए तो उस दिन नहीं आए, आप उस दिन शाम को आई है, पढ़ाया नहीं तुम्हें अकेली को, पूछ लो इससे। ऐसा नहीं है पैसे ले लिए और अपना मतबन निकाल लिया। कोई बच्चा कह दे जिसको भी तकलीफ है बता देता है, उसको सॉल्व करवा देता हूं मैं। आपको कितना लड़ाऊ, मैंने कहा तुमने क्लास क्यों नहीं देखी। अब ये बोली सर ने इसके लिए क्लास डाली नंबर सीरीज, किसने देखी नहीं, इसको लड़ा भी हूं क्यों नहीं देखी है, पूछ लो कल इससे। 25 गुना 6 करें कितना आ जाएगा, 150,000 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 60 डे 50 शोल्डर लीव द, अब देखो 25 गुना 60 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा सॉरी। कितना कार्य रह गया, 135,000 रह गया। यहां तक समझ आ गया। अब उसके बाद कौन छोड़ के चले गए, आगे है छोड़ के चले गए हैं, कितने आदमी, 50 आदमी, कितने रह गए 200। तो 135,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कुछ आंसर, 675 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा क्या आ जाएगा आंसर, तो सी आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी आपका ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है बात, क्लियर। देखो 250 गुना 600 करेंगे ना तो 150,000 आ गया। आफ्टर 60 डे जो 50 शोल्डर है ना सोल्जर है वो छोड़ के चले गए, तो जब सोल्जर छोड़ के चले गए इसका 250 गुना 60 करेंगे कितना आ जाएगा 1500, तो 150,000 में से 15,000 चला गया कितना आ गया 135,000 आ गया। कितने आदमी थे, 250 छोड़ के चले गए कितने रह गए 200, तो 135,000 को 200 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 675 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आगे आगे लिखो टाइप फोर का, लिख लो ग्रुप आर वर्किंग, आगे हेडिंग बनाओ टाइप फोर ग्रुप आर वर्किंग का, टाइप फोर का क्वेश्चन। ठीक है, लिखो 25 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 25 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 25 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, वाइल 30 वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, वाइल 30 वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। नंबर एक, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। नंबर दो, इन व्हाट टाइम 15 मैन एंड 20 बॉयज कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम 15 मैन एंड 20 बॉयज कैन फिनिश वर्क टुगेदर। अब पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो क्या कह रहा है, देखो पहले सुनो, ये 10 लड़कियां इस दीवार को 15 दिन में बना रहे हैं और 20 लड़के इसको 5 दिन में बना रहे हैं, चाहे लड़कियां बनाए चाहे लड़के बनाए कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। इधर सुनो, 25 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। 25 मैन किसी कार्य को 40 दिन में कितनी चॉकलेट करेंगे, 1000 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1000 किसका कार्य आ गया, मैन का। 30 वीमेन 50 दिन में करेंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, चाहे मैन करे चाहे वुमेन करे कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एलसीएम कितना सोचेंगे,
3000 सोचेंगे, क्या सोचेंगे 3000 सोचेंगे, इससे कितने गुना हो गया 3 गुना हो गया, इससे कितने गुना हो गया 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना। तो मैन और वुमेन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया, क्या आ गया 3:2 आ गया। क्लियर है? आप बताओ बेटा इसमें से कुल कार्य कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है 3000 है क्या, शाबाश 3000 है। इसका मीनिंग आशिमा, एक दिन में एक मैन कितनी चॉकलेट खा रहा है 3 चॉकलेट खा रहा है, और वुमेन कितनी खा रही है 2 खा रहा है। नंबर 2 क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम 15 मैन प्लस 20 वुमेन, मैन की यूनिट कितनी है और वुमेन की यूनिट कितनी है, तो ये 45 प्लस 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। इसमें ना थोड़ी सी गलती करिए ना, इस क्वेश्चन में ये लिख लो इन व्हाट टाइम 12 मैन एंड 7 वुमेन, 12 मैन प्लस 7 वुमेन कितने समय में करेगी, इन व्हाट टाइम 12 मैन प्लस 7 वुमेन है, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी हमारा रेशो क्या आ गया 3:2 आ गया, क्या आ गया, अगर अगर वो होता 3000 को किससे डिवाइड करते 85 से डिवाइड करते, तो कह रहा 12 मैन प्लस 7 वुमेन है, तो वुमेन मैन की यूनिट कितनी है 3 है, और वुमेन और 2 है, तो 36 प्लस 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और कुल कार्य कितना है 3000 है, 3000 को किससे डिवाइड करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 60 दिन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सी बनेगी, फोर्थ बनेगी, क्या बनेगी फोर्थ बनेगी, ठीक है। अगर अगर वहां पे वो जो करवाया था 15 मैन, तो 3000 को किससे डिवाइड करते 85 से डिवाइड करते, तो उसमें क्या था 12 मैन और 7 वुमेन था, ठीक है। तो मैन यूनिट कितनी है 3, और मैन यूनिट कितनी है 3, और वुमेन यूनिट कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 50, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करके बताओ, लिखो क्वेश्चन लिखो एक, 10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज while 12 women can do the same piece of work in 10 days. हाँ, in what time 15 men and 6 women can finish work together? In what time 15 men and 6 women can finish work together? In what time 15 men and 6 women can finish work together? देखो 10 मैन 10 डेज में कितनी चॉकलेट खाएंगे बताओ, 100 चॉकलेट खाएंगे, क्या खाएंगे 100 चॉकलेट, और 12 वुमेन 10 डेज में कितनी चॉकलेट खाएंगे 120 चॉकलेट खाएंगे, कुल कार्य कितना सोचा 600 सोचा, इससे 6 गुना इससे 5 गुना, तो मैन और वुमेन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 6:5 आ गया, क्या आ गया 6:5 आ गया। यहां तक समझ आ गया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने समय में 15 मैन और 6 वुमेन, कितने समय में, मैन की यूनिट कितनी है बताओ 6 है, और वुमेन की यूनिट कितनी है 5 है, तो 90 प्लस 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120, तो 600 डिवाइड बाय 120 करेंगे कितना आ जाएगा 5 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैन की यूनिट कितनी थी 6, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, तो 600 बटा 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, यहां तक समझ आ गया, रब कर दें इसको, हाँ नोट कर लो फटाफट इसको, मैडम को बोलना क्लास ले लेंगे, समझ मैडम क्लास ले लो आप आ जाएंगे, तो 2 मिनट मैडम, 2 मिनट बस, उधर मैडम को बोल देंगे क्लास ले लेंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, ये क्वेश्चन करके बताओ, 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 डे, लिखो मत सिंपल करके बताओ, 6 मुझे करके बताओ 6 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, ये कब का पेपर है एसएससी सीजीएल का 2/12, 6 मैन 30 दिन में कितना करेंगे
18 करेंगे 9 गर्ल्स कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में करेंगे, कितना हो गया 18 कुल कर रहे हैं, कितना सोचा 18 इससे एक गुना, इससे एक गुना, बस ये देख लेना वी देन हाउ मेनी टाइम टेकन कंप्लीट द सेम वर्क 8 वुमेन और 6 गर्ल, 8 वुमेन और 6 गर्ल्स, मैन की यूनिट कितनी है 8 और प्लस क्या चढ़ेंगे 6 हो गया ना, 14 हो गया, क्या हो गया 14 हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 हो गया, क्या हो गया 14, 18 बटा 14 करेंगे कितना आ जाएगा 9/7 है क्या, चलो ऑप्शन इज्जत बचेगी फिर तो डी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है लिखने की जो, क्योंकि कुल कार्य क्या रहेगा सेम रहेगा, जब भी हम सेम की बात करेंगे किसकी बात करेंगे एलसीएम की बात करेंगे, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, लिखो 5 मैन, इधर ही करके बताओ 5 मैन, 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में करेंगे, कितना हो गया 60 हो गया, क्या हो गया 60, और 6 भी मैन गुना में 20 करेंगे कितना आ गया 120, कुल कार्य कितना सोचा 120, तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 2:1, अब 1 मैन प्लस 1 वुमेन, मैन की यूनिट कितनी है 2, और तो कितना आ जाएगा बताओ 2 और 1 हाँ तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 120 बटा 3 करेंगे कितना आ जाएगा 40 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो 40 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप 3 निकालो इसका, और कराऊं या नहीं समझ आ गया ना, अभी और भी है मैं चल जाएगा ना काम, चलो अब इसको बनाना, आपको घर पे बनाने हैं क्वेश्चन, मुझे आंसर भेजने हैं बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बनाना क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर गलत है, मुझे पता चलेगा किसने बनाया किसने नहीं बनाया, एक क्वेश्चन गलत है इसका आंसर, देखो टाइप 3 निकालो, ग्रुप पर वर्किंग लिखा हुआ है, आप कहोगे ना मैं आपको और क्वेश्चन भेज दूंगा इसको, पहले ये बना लो पहले, इसका क्वेश्चन नंबर 4th नहीं करना, नहीं नहीं वही टाइम एंड वर्क, टाइप 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4th नहीं करना, अरे बाकी सारे करना है, 4th नहीं करना, 4th को काट दो, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 3 मैन और 4 गायब है उसमें, 3 मैन और 4 लगा लेना, ठीक है। कुल कितने क्वेश्चन है, कुल 23 क्वेश्चन है, कुल 23 क्वेश्चन है, इसमें से एक का आंसर गलत है, वो तुमने पहचाना, सारे के सारे 23 के 23 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं पहले उसको पढ़ना, जो आज क्लास लिया उसी के ऊपर है, अब रहेगी इसमें टाइप 1 और टाइप 4, वो कल खत्म करवा देंगे आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अभी आज यही करने हैं आपको ग्रुप आर वर्किंग, कुछ और क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के वो करवा देंगे आपको, ठीक है। इसके बनाने हैं 22 क्वेश्चन बना के लाने हैं घर से आपको, ठीक है, बाकी मैडम पढ़ाएंगे आपको। आप तो समझ आ गया बिल्कुल, तेज तो नहीं पढ़ा दिया आज, फिर नहीं, अब तो प्रैक्टिस करवा दिया साथ साथ में, क्वेश्चन होगा, ठीक है, चलो अभी मैडम पढ़ाएंगे। बस मैं बारह बजे के बाद भी अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग हो सकती है, अगर पहली बार हाँ तो गुड मॉर्निंग कहना गलत नहीं है तब, ठीक है, मतलब आफ्टरनून भी कह सकते हो, बट स्टिल फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, अब ये नहीं शाम को मिल रहे हैं पहली बार में गुड मॉर्निंग, ओके।
So wherever we were last. Achha, how many students are new today? For the first time, I have these many. Half of the students are new. तो नए लोगों का हालत ही ऐसा अभी तक बहुत ज्यादा कुछ मिस हुआ नहीं है. फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो भी ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें मुझे लगता है कि आपको पिछला पता होना चाहिए वो मैं क्लियर करूंगी डाउट्स. प्लस मीनवाइल वैसे तो नई बैच बनेगा तो उसके आप शुरुआती एक आध क्लास ले लोगे लेकिन तब तक क्या वेट करोगे आप दूसरों की नोटबुक देखना बहुत क्लियरली लिखा हुआ है रूल्स और एग्जाम्पल जो समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है. हाँ जी तो सब्जेक्ट वर्ब में वर्ब लगाना सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और आप आ चुके हो यहाँ तक मैनी ईच एवरी मैनी हो गया ठीक है. और आपने वोकैब में ये कह रहा था एट अ स्ट्रोक पहले ग्रामर लिखा लेते हैं हाँ जी तुम बहुत घूम रहे हो तो बैठ जाओ एक जगह लेट आने का भी घूमते रहोगे. अच्छा अगली बार से टाइम से आना पे ठीक है. सारी पोले खोल दी तुमने यहीं पर अगली बार से एक दिन पहले चेक करके रखना अपनी बाइक स्कूटी जो भी है ठीक है. हाँ जी अब जो मैं आपको पॉइंट सिखा रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब में इसमें हम छह रूल एक साथ सीखते हैं. मैंने रख दिया पेन और आप भी रख दो क्योंकि सीखने पे फोकस है लिख तो हम लेंगे. बात अगर लिखने की है तो ऐसे तो बुक्स भरी पड़ी है मार्केट में रूल्स से है ना लेकिन दिमाग में कितना बैठ रहा है दैट इज ओनली गोइंग टू मेक द डिफरेंस. सिर्फ कॉपियां भरने आप यहाँ नहीं आए हो. देखो पहला केस है हमने नहीं करा था ना ये वाला जब दो में से एक की बात हो किया है क्या और बहुतों में से एक की बात हो करा था क्या था बताओ. दो में से एक के लिए क्या आएगा मैं पूछूं क्या हमने करा था लास्ट क्लास में ये पॉइंट करा है बहुतों में से एक और एक भी नहीं हो गया मतलब ये नहीं हुआ ना नहीं किया ना नहीं किया. ओके सुनिए अब ध्यान से पहला केस है जब मैं कह रही दो में से एक की बात फॉर एग्जांपल आप दो हैं मुझे कहना है आप दोनों में से एक बाहर जा सकता है आप दो में से कोई भी एक बाहर जा सकता है. पहला तरीका मैं कह सकती हूँ आइदर यू और यू है ना आइदर और का मतलब या तो ये या वो कैन गो आउट लेकिन आइदर और हम सीख चुके हैं जिसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है बताओ जरा जिन्हें याद है आइदर दे और देयर सन इज या आर गिल्टी. आइदर और में वर्ब आती है नियरेस्ट नहीं बोलेंगे इसका भी रीजन है जब दो होते हैं ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं नियर नियरर नियरेस्ट है ना तो नियरर बोलेंगे दो से ज्यादा होते हैं तब सुपरलेटिव डिग्री आती है. जैसे इन दोनों बुक्स में से मैं ये नहीं कह सकती कौन सी बेस्ट है मुझे कहना चाहिए इन दोनों बुक्स में कौन सी बेटर है और इन सब बुक्स में से कौन सी बेस्ट है ना. अच्छा सबसे बेस्ट कहना भी गलत होता है क्योंकि बेस्ट का तो मतलब ही सबसे अच्छा होता है और ये ज्यादा बेटर रहेगा करना वो भी गलत होता है. ज्यादा बेटर का मतलब ही ज्यादा ठीक है अधिक अच्छा है तो ज्यादा बेटर और सबसे अच्छा या सबसे बेस्ट कहना हिंदी में सबसे अच्छा कह सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट कहना गलत है. चलो वापस अपने पॉइंट पर आते हैं. मैंने बोला आइदर और हम सीख चुके हैं हाँ सीख चुके हैं ना लेकिन तभी मैं ये वाला तरीका ना अपना के मुझे ये नहीं कहना या तो आप जा सकते हो मुझे कहना तुम दोनों में से एक बाहर जा सकता है तो हाउ शुड आई से मुझे कैसे कहना चाहिए वन ऑफ यू कैन गो आउट लेकिन ये गलत है. यस दो में से एक के लिए ऐसा बोलना ग्रामेटिकली गलत है. इंग्लिश के बहुत से एक्सप्रेशंस जो कि स्पोकन इंग्लिश में वेल एक्सेप्टेड है बोलते हैं वहां बोलचाल की भाषा में और वो इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है ठीक है वो एक्सप्रेशंस लेकिन यहाँ तो बात ग्रामर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो जो रिटन ग्रामर में जो रूल्स फॉलो करते हैं वो आना चाहिए है ना. तो बताओ तुम दोनों में से एक जा सकता है वन ऑफ यू नहीं दो में से एक के लिए आता है आइदर ऑफ यू कैन गो आउट तुम दोनों में से कोई भी एक जा सकते हैं
अब मुझे कहना तुम दोनों में से एक भी नहीं जा सकता. पहला तरीका नाइदर यू नॉर यू, है ना, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड कैन गो आउट. अब नाइदर नॉर हम सीख चुके थे इसमें बर्फ आई थी नियर आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना. लेकिन मुझे ये नहीं कहना ना तो तुम ना तुम जा सकते, मुझे कहना तुम दोनों में से एक भी नहीं जा सकता. अब आपने कहा नन ऑफ यू कैन, नन ऑफ यू कैन गो आउट. नो, ये भी गलत है. दो में से एक आइदर ऑफ और एक भी नहीं के लिए आइदर का ही नेगेटिव आएगा. नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ यू कैन गो आउट. तो हमने दो पॉइंट सीखे अभी तक, दो में से एक के लिए आइदर ऑफ और एक भी नहीं नाइदर ऑफ. अब मान लीजिए दो से ज्यादा है, मुझे कहना आप सब में से एक बाहर जा सकते. अब आएगा वन ऑफ, जब बहुतों में से एक ही बात है, वन ऑफ यू या एनी वन ऑफ यू कैन गो आउट. अब तुम सब में से एक भी नहीं जा सकता, वन का नेगेटिव नन, नन ऑफ यू कैन गो आउट. तो दो में से एक आइदर ऑफ, एक भी नहीं नाइदर ऑफ. बहुतों में से एक वन ऑफ और एक भी नहीं नन ऑफ. अगला केस, दो है तुम दोनों ही जा सकते हो. दो के लिए आता है बोथ, बोथ ऑफ यू कैन गो आउट, दोनों ही जा सकते हो. और तुम दोनों ही नहीं जा सकते, you cannot go. तो मैं ये नहीं कह सकती both of you, तुम दोनों ही नहीं जा सकते. both of you cannot go, क्या ये गलत है? नहीं है, है. है. तो क्या कहना चाहिए? neither both of you cannot go. neither तो already negative है, तो why would you choose not? both of you cannot go out, ऐसे कहना क्यों गलत है? रूल है बोथ के साथ नॉट नहीं आता. बोथ के साथ हम नॉट नहीं लगा सकते तो फिर हम इस बात को बोलेंगे कैसे? हमने दूसरे नंबर पर एक सेंटेंस बोला था, तुम दोनों में से एक भी नहीं जा सकता. कैसे बोला था इसको? नाइदर ऑफ यू कैन गो आउट. और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, जब मैं कहती हूँ तुम दोनों में से एक भी नहीं जा सकता, इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तुम दोनों ही नहीं जा सकते. तुम दोनों में से एक भी नहीं जा सकता मतलब ना पहला ना दूसरा, तुम दोनों ही नहीं जा सकते ना. तो जब बोथ नॉट नहीं ले सकता, हम फिर से नाइदर ही लगा के सेंटेंस ठीक करते हैं. आपने सही बोला था, तो हम कहेंगे नाइदर ऑफ यू कैन गो आउट. तुम दोनों में से एक भी नहीं जा सकता का मतलब वही है कि तुम दोनों ही नहीं जा सकते. भाई तुम मेरी दोनों बुक्स में से एक भी नहीं ले सकते, मतलब तो है कि तुम दोनों ही नहीं ले सकते ना. इज दैट क्लियर? तो फिर से देखो, दो में से आइदर ऑफ, एक भी नहीं नाइदर ऑफ. बहुतों में से वन ऑफ और एक भी नहीं नन ऑफ. दो के लिए बोथ और इसका नेगेटिव बोथ तो नॉट नहीं लेगा, नाइदर को ही लगा के सेंटेंस ठीक करते हैं. नहीं, नन का बात है जब बहुतों में से एक भी नहीं होगा, उस केस में ही होगा. ठीक है, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मैंने बोला मेरे सामने दो रोड्स हैं, ठीक है, इन दोनों में से एक पार्क की ओर जाती है. तो मैंने बोला वन ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द पार्क. नो, होना क्या चाहिए? आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द पार्क, दोनों में से एक जाती है. आर यू गेटिंग बेटे? आपको समझ में आ रहा है ना? अगला है, मैंने इसलिए पूछा आप हिंदी आप क्लियर मतलब इसमें थोड़े से हैं, कंफर्टेबल हैं. थोड़ा हमें बाइलिंगुअल यूज करना पड़ता है, इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश को थोड़ा सा हिंदी में पढ़ाना पड़ता है, हमें सेंटेंस इंग्लिश में ही रहेंगे. कोई पॉइंट हो जो क्लियर ना हो आपको, मैं हिंदी में बोल रही तो आप पूछ लेना प्लीज. ठीक है, रूल्स हम इंग्लिश में लिखते हैं. सी, अब मैंने कहा इन दोनों रोड्स में से एक भी पार्क की ओर नहीं जाती है. None of these roads हो सकता है? No. Road leads to the park. ठीक है. अब मेरे सामने चार पांच roads हैं. इनमें से एक park की ओर जाती है. None of these roads leads to the park. और इन सब में से एक भी नहीं जाती. None of these roads leads to the park. Okay. अब मैंने कहा दो roads हैं, दोनों ही जाती हैं park की ओर. Both of these roads lead to the park. और दोनों ही नहीं जाती. Yes, both को not लेगा नहीं. फिर से neither ही लगाकर sentence ठीक करेंगे. Neither of these roads leads to the park. इन दोनों में से एक भी नहीं जाती का मतलब वही है कि दोनों ही नहीं जाती. Is that clear? तो जो हमने अभी समझा उसे हम लिखेंगे step by step with example. अब आप आसानी से समझ सकते हो. तो पहला केस है जब बात हो रही है वन आउट ऑफ टू की, दो में से एक के लिए. ओके, सेंटेंस दिया गया उसके दोनों बेटों में से एक वहां मौजूद था. वन ऑफ हिज टू सन्स वॉज प्रेजेंट. क्या गलती है?
दोनों में से एक खाना तो वन ऑफ नहीं आएगा, आइदर ऑफ दिस टू सम, आइदर या इधर आप चूज में प्रॉपर्टी करो, बोथ प्रोनाउंसिएशन आता है. अब दोनों में से एक भी नहीं, नॉट इवन वन आउट ऑफ टू, दोनों में से एक भी नहीं. तो दिया है नन ऑफ दिस टू सन्स वाज नॉट प्रेजेंट हियर. दोनों में से एक भी नहीं चले जाएगा, नहीं आकर ऑफिस टू. वन मोर एरर, नॉट नहीं आएगा. यस, नीदर तो खुद ही नेगेटिव है, इसके साथ नॉट लगाना सुपरफ्लूअस है, रिपीटेड यूज है, जैसे लेवर के साथ ना तबलीग हो रही है. किस चीज की? किस चीज की तबलीग हो रही है? Back to the point. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो. अच्छा, डबलिंग का मतलब वो यही कह रहा है, रिपीटेड यूज है, इसलिए मैं कह रहा है कि वही नीदर तो खुद ही नेगेटिव है तो नॉट लगा के डबलिंग कर दी, ऐसा बोल रहा है. इसको इंग्लिश में ग्रामेटिकल टर्म में कह रहे हैं सुपरफ्लूअस, मोर देन व्हाट इज योर, रिपीटेड यूज है. अगला है बहुतों में से एक की जब बात हो, वन आउट ऑफ मैनी, तो दिया है उसके चारों बेटों में से एक वहां मौजूद था. दिया है, पहले तो गलत देंगी ना सेंटेंस, तभी तो अगर स्पॉट करेंगे आइदर ऑफ इट फोर. अगर मैं सिंपल भी आपको सही वाला सेंटेंस दिखा दूंगी ना तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा. तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है गलत करके फिर वो हाईलाइट करना जहां पर सही करना है, उस तरीके से आप बेटर सीखते हो. आइदर ऑफ इज फोर सन्स वॉज, तो क्या होगा चारों में से एक था तो फर आउट, और बहुतों में से एक भी नहीं, नॉट इवन वन आउट ऑफ मैनी. दिया है नाइदर ऑफ हिज four sons was born present there. हाँ जी, neither की जगह none और not superfluous. बिल्कुल, neither हो या none खुद ही negative होते हैं, इनके साथ not भी गलत है, superfluous. okay. अगला केस है जब बात है दो, तो दो के लिए सिंपली बोथ लगा दो कि दोनों ही बेटे वहां मौजूद थे. बोथों की सांस वर प्रेजेंट देयर, और इसका भी नेगेटिव करना था. तो बोथ को तो नॉट नहीं दे सकते, फिर से नाइदर ही लगाएगा, सेम सेंटेंस नीचे आएगा. दोनों में से एक भी वहां नहीं था, मतलब कि दोनों ही नहीं थे, सेम ही नहीं. आप लिख सकते हो वी डोंट यूज नॉट विद बोथ, वी डोंट यूज नॉट विद बोथ, नाइदर ऑफ हिज टू सन्स. हाँ जी, was present there. ठीक है, हाँ जी, आपने जो ये वाला लिखा है two out of many होगा, एक तो one out of many आपने लिखा है, हाँ ये two out of many होगा. नहीं नहीं, अरे कहाँ गया, redo पीछे undo मार. बात तो एक ही की हो रही है ना, one out of बहुतों में से एक था वो कह रहा है, तो ये वाला जो case है वाला, नॉट इवन वन, बहुतों में से एक भी नहीं था, ये भी ठीक है. इसके नीचे ये दो की बात हो रही है, तो ये टू आउट ऑफ मेनी हुआ ना. फिर कौन सा वाला, थर्ड वाला कह रहे हो आप? यही वाला, आप थर्ड वाला कह रहे हो, क्वेश्चन थर्ड.
टू आउट ऑफ मेनी, नहीं नहीं सिर्फ दो है, दोनों ही है. हाँ दो है, दोनों ही वहां मौजूद थे, दो की ही बात है सिर्फ यहाँ पर. उसका नेगेटिव, हाँ नेगेटिव. इसमें मेंशन ही ना कितने थे, अगर वो होता टू ऑफिस टेन सन फाइव सन तब वो होता, ठीक है ना. दो दो है, दोनों ही जा सकते हैं, दो है दोनों ही मौजूद है, तो बहुत लगा रही बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ हिज सन्स. और यहाँ सिंपली इसका नेगेटिव, द पॉइंट इज दो के लिए बोथ और बोथ का नेगेटिव नाइदर नाइदर. अब क्वेश्चन कैसे दिया गया आपको उस पर आ जाए. हाँ लिख लो पहले, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का. बोथ में प्लूरल वर्ब होगा और बाकी में सिंगुलर वर्ब. हाँ आपने बात जल्दी पकड़ दी, मैं अभी इस पर आऊंगी. हाँ जी अभी हमारा फोकस सिर्फ आइदर नाइदर वन नन बोथ पर है, ठीक है ना, उस पर अभी हम आएंगे. यहाँ तक इसीलिए मैंने पूछा, यहाँ तक जो बताया उसमें कोई डाउट है तो बताओ. नहीं भाई मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. अब मुझे एक सेंटेंस लिखना है लेकिन मैं ये पूरा रब भी नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ. सेंटेंस दिया गया नाइदर ऑफ his relatives were going to attend the party. अब इसमें आपको एरर स्पॉट करनी है, अगर है तो कभी कभी नो एरर भी होता है सेंटेंस. क्यों भाई neither of his relatives none of his relatives. अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो नंबर नहीं दिया कितने रिलेटिव्स हैं. अगर कहना हो भाई यहाँ दो होता नाइदर ऑफ टू रिलेटिव्स तो हमें समझ पाता दोनों में से एक भी नहीं जा रहा था तो हम नाइदर लगाते. दो से ज्यादा टेन ट्वेंटी कुछ दिया होता तो हम नन लगाते कि बहुतों में से एक भी नहीं जा रहा था. लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं कितने रिलेटिव्स हैं. अच्छा तो आपने सोचा तो कि भाई रिलेटिव्स तो ऑब्वियसली दो से ज्यादा ही होंगे इसलिए नन लगा दो, है ना. नन लगा के क्या सेंटेंस ठीक हो जाएगा. नहीं नहीं होगा. तो कैसे ठीक होगा. अब जब नंबर गिवन ना हो कितने रिलेटिव्स हैं, दो है या दो से ज्यादा है, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है. इमेजिनरी भी कोई भी केस हो सकता है ना. जब नंबर गिवन नहीं है तो वो अपने आप में ठीक है. आप अननेसेसरी नंबर ना लगाओ, ठीक है ना. जो है वो ठीक है, चाहे दोनों में से एक नहीं जा रहा था या बहुतों में से एक नहीं जा रहा था. अल्टीमेटली जा तो एक भी नहीं रहा था ना, तो वर्क तो वास करना ही पड़ेगा ना दोनों ही केसेस में. दैट इज व्हाई हम या नाइदर को नल या नल को नाइदर नहीं करेंगे. जब नंबर गिवन ना हो तो यहाँ नाइदर दिया वो भी सही है, नन दिया वो भी सही है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. इसका खुद ही मतलब आ रहा है नाइदर भी करेंगे, इसका खुद ही मतलब आ रहा है दोनों में से एक भी नहीं जा रहा था. तो जा तो एक भी नहीं रहा था, वर्क को तो वॉश करना ही पड़ेगा. हाँ अगर यहाँ दिया होता नन ऑफ हिज टू रिलेटिव्स तो हम नाइदर करते, क्योंकि दो मेंशन है दोनों में से एक भी नहीं. यहाँ टेन रिलेटिव्स दिया होता तो नन करना पड़ता. नंबर नहीं है तो नाइदर भी ठीक है नन भी ठीक है. और देखो जरा अब इस बात को मैं यहाँ पर आपको इलेबोरेट करूंगी, इसीलिए मैंने रब नहीं करा था. आपने आइदर नाइदर वन नन तो देख लिया, अब वर्ब को लेकर क्या पॉइंट है. जैसे हमने पिछली क्लासेस में सीखा था वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है ना. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेके वन ऑफ माई फ्रेंड होता है या फ्रेंड्स होता है. वन फ्रेंड होता है लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत से फ्रेंड्स में से इज या आर कमिंग टूडे, बहुतों में से एक आ रहा है, तो एक ही रहा है इज कमिंग टूडे. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे, बहुतों में से एक आ रहा है. तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आदि सीखा था. सिमिलरली आइदर ऑफ नाइदर ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है. देखो जरा अब यहाँ पर. हाँ जी आइदर ऑफ हिज टू सन्स, दोनों बेटों में से एक वहां मौजूद था वॉज, एक भी नहीं था वॉज, बहुतों में से एक था वॉज, एक भी नहीं था बहुतों में से वॉज. बोथ में बात दो की हो रही है इसलिए यहाँ पर आया.
अगेन दोनों में से एक भी नहीं था बॉस, आपने सही पकड़ा था, दो में से एक भी नहीं, बहुतों में से एक भी नहीं, बात तो एक एक की ही हो रही है ना, इसलिए सिंगुलर वर्ब सब में आ रही है, बोथ में बात दो की, इसलिए वर आया। तो वही पॉइंट है जो मैं बोल रही थी, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लुरल, सांस 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 सांस, लेकिन वर्ब सिंगुलर, वॉज 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 वॉज, ठीक है ना, बोथ में बात दो की इसलिए वर आया। तो पहले ये नोट लिखिए आप नीचे, फुट नोट जो आपने सीखा अभी। We use plural noun. We use plural noun. Plural is plural. Plural noun, but singular verb after. After either of. Neither of. One of, each of, either of, neither of, one of, each of, every one of. Hanji? One of. One of, each of, every one of. के बाद noun को plural verb singular आता है, ठीक है? अब इस पर questions करके दिखाई दो मुझे. अब करते हैं इसको. लिख लिया सबने? Yes or no? Yes, ma'am. अपनी मोड़ा कभी पता, उसको हम क्लिक करोगे ना तो वो आ जाएगा, कितना आपको चाहिए इसी के पेन पे बोला, पेन पे क्लिक करो, हाँ जी ये है ना, ये साइज बड़ा, इस साइज वाले इसको डिक्रीज करो, अच्छा हाँ जी। नन ऑफ माय टू कजन लिव इन दिल्ली, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे दोनों कजन में से एक भी दिल्ली में नहीं रहता है, नाइदर ऑफ माय टू कजन, तो दो में से एक भी नहीं के लिए क्या आता है, नाइदर ऑफ, अब ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ योर नाउन प्लूरल क्या आएगा, टू कजन्स नहीं होगा क्या, है ना, नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर, क्या ये सिंगुलर वर्ब है, यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म में एसओएस लगती है तभी तो सिंगुलर वर्ब बनती है, ठीक है ना, जैसे ही प्ले क्रिकेट नहीं कहते आप, ही प्लेज क्रिकेट कहते हो, तो सिंगुलर वर्ब तभी बनी ना। Neither of his friends have not submitted their papers. None of his friends has submitted their papers. क्या नंबर गिवन है, कितने फ्रेंड है ना, जब नंबर गिवन ना हो तो none of his सही है, neither of his सही है, कोई भी केस हो सकता है ना, दोनों में से एक ने भी नहीं है, बहुतों में से एक भी नहीं, लेकिन neither of none of का नाउन तो plural हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर यहाँ 10 फ्रेंड्स, दो से ज्यादा दिए होते, 5 फ्रेंड तो नन करते,
लेकिन जब नंबर ही गिवन नहीं कितने हैं तो वे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए नाइदर ऑफ दिया है वो भी ठीक है, नन ऑफ दिया है वो भी ठीक है। बार बार कह रहे हो जब नंबर गिना ना हो तो जो है वो ठीक है, अपनी जगह अपना मीनिंग दे रहा है। उसके दोनों फ्रेंड्स ने में से एक ने भी अपने पेपर सबमिट नहीं करे, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर है। अब नाइदर सुधी नेगेटिव है नॉट भी नहीं। तीसरा एक और यस, जब वर्ब सिंगुलर आते तो पॉजिटिव केस जो सीखा था ना सिंगुलर हो जाता है, भाई दोनों में से एक ने भी अपने अपने नहीं करे ना तो देयर नहीं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज डन देयर वर्क, ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, जब वर्ब सिंगुलर आई है तो पॉजिटिव केस भी सिंगुलर होगा, एक ने भी अपने नहीं करे इसलिए हिज होगा। तो कभी अगर यहाँ कभी यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकती है, आपने पूरा डाइसेक्शन कर डाला सेंटेंस का। कोई डाउट यहाँ तक? एक ने भी नहीं करा ना, बिल्कुल सही, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है नाइदर या नन, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग रही है। अब वो एक के फ्रेंड्स है या ज्यादा के फ्रेंड्स है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। हाँ जी आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला केस, ऑल मींस सभी, सबकी बात है प्लूरल है, ऑल डिनोट्स प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेनी चाहिए, बट व्हाई डू वी से ऑल इज वेल, shouldn't it be all are well नहीं होना चाहिए। because we treat all are the collective noun and collective noun के साथ similarly, तो it is wrong to say all are well, नहीं all is well should be used if we are talking हाँ हाँ persons तो all are well के लिए सबसे सारे family members होते हैं, my all family members are well. Okay. And all is well is also correct. When, जब all के साथ of लगेगा उसके बाद noun आएगा तो singular verb, और singular जब साथ में लगेगा तो plural. नहीं, all के साथ all of my students, आप ये कहना चाह रहे हो, is या are intelligent? Are. Students की बात. And जब of नहीं वो one of का case होता है जो आप कह रहे हो, one of my students is intelligent, तब is आता है, students में से एक की बात हो, तब is आता है। तो कहने का अभी ये बताइए कि इसमें से कौन सा सेंटेंस फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है क्या ना? ऑल अपने आप में पहले प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, तो दो प्लूरल हो सकते हैं ऑल आर, सब के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाते हैं ना, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल हो, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, सुपरफ्लूस कब से हो गया? फर्स्ट स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे लेकिन फाइव स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अभी तो नहीं होता फाइव स्टूडेंट्स है तो इस लगा दो मैडम सुपरफ्लूस नहीं ना, फाइव स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, सुपरफ्लूअस होता है जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे 7 am in the morning, am तो खुद ही बता चुका है मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग 7 am या 7 o'clock in the morning आ जाएगा। He returned back from Mumbai last night. Return का खुद ही मतलब है to come back, तो return के बाद back नहीं लगाते, वो सुपरफ्लूअस है। हाँ जी, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आपने बोला फर्स्ट वाला, तो सेकंड को अगर हम गलत नहीं मतलब सही बोल देंगे तो आमिर खान को चैलेंज कर देंगे सीधा सीधा। हाँ जी, ऑल इज वेल ऑल आर वेल, बहुत ही सेंटेंसेस आर करेक्ट, यस दोनों का मीनिंग क्या है? ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, इसका मतलब एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल आर वेल मतलब सभी ठीक है, यानी यहाँ पर लोगों की बात आ गई है, मेरे घर के लोगों की भी हो सकती है।
जो आप आपसे सुनते ही आए ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है ऑल आर वेल मतलब सभी ठीक है सभी ठीक है सभी बच्चे ठीक है सभी प्लेयर्स ठीक है सभी घर के लोग ठीक है यहाँ लोगों की बात हो रही है तो वर्ब का लगना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है। यस अब ये टर्म आपके लिए नहीं है जिस पर हम अभी काम करेंगे उसे कहीं क्या उर्दू लिखी गई शॉर्ट हैंड वाले बच्चे ऐसे साइन से बनाते रहते हैं कहते हैं हम नोट्स लिख रहे हैं मैम पता नहीं चाहे काटे वाटे क्या होता है ना। हाँ जी और आपने कहावत सुनी है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल सही है ना कहावत सही अंत भला तो सब भला हम कह सकते हैं ऑल आर वेल एट होम घर पे सभी ठीक है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सभी ऑल इज वेल एट होम भी हो सकता है घर पे सबको ठीक ठाक है और यहाँ पे घर पे सभी ठीक है हाँ जी अब देखो तो इस भी सही है और भी सही यहाँ ऑल का यूज किया गया अनकाउंटेबल ऐसे लोग कर रही थी मैं जैसे विंग से करते हैं ना अनकाउंटेबल और यहाँ ऑल का यूज किया गया काउंटेबल प्लूरल देखो फटाफट फिर बताती हूँ हाँ जी रिटर्न इस बच्ची को आने तो बाहर ही लो नाउन को क्यों सीख रहे हैं क्योंकि जब हम वर्ब लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन जिनकी हमें नॉलेज ना हो तो चांसेस है हम वर्ब भी गलत लगा देंगे यही वजह है कि सब्जेक्ट वर्ब में अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होगा नाउन का भी ताकि वर्ब हमसे गलत ना लगे ओके अब देखो नाम लिया काउंटेबल नाम से पता चल रहा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं जिसे हम संख्या में नंबर में बताते हैं वो एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी कैन बी सिंगुलर और प्लुरल जो हम अभी तक करते आए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब वन बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास मेनी बॉयज आर प्रेजेंट तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ब लेंथ है नई टर्म आपके लिए अनकाउंटेबल वो क्या होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते संख्या में नहीं बताते बल्कि नंबर में ना बताकर उसे क्वांटिटी यानी मात्रा में बताते हैं है ना जैसे कि हाँ अब शुगर क्या आप कहते हो एक चीनी दो चीनी एक किलो नंबर में बताते हो क्या संख्या में क्या उसका प्लूरल करते हो क्या शुगर्स चीनिया पढ़ते हो नहीं क्यों नहीं करते बहुत सारी चीनी तो उसको चीनिया कर दो लड़की का लड़कियां कर देते हो तो क्यों नहीं करते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है जो है ही अनकाउंटेबल बातें कर रहे हो अभी आप आते नहीं बच्चे सिर्फ आप ही लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो रहे हो उस समय क्लास में यस अभी उसका कोई फोन नहीं आ रहा था
पहले आपने बहाना था उसका फोन आया था नहीं कसम से तो आप क्यों इतना ध्यान रखते हो उसका फोन आ रहा है तो वो रखे उसके हाथ में वहाँ क्या वही पढ़ा था बात जो अब कर रहे थे मैं उस पॉइंट की बात कर रही हूँ कुछ भी बोल रहा मैं वैसे आगे बैठने की बात करी जो बातें करता है वो उतना कल्प्रिट नहीं मैं अपनी क्लास में जो सुन रहा है ना वो ज्यादा कल्प्रिट है इफ यू डोंट लेंड योर ईयर आप ध्यान ही मत दो तो बगल वाला बोलेगा कब तक चुप हो जाएगा तो सुनो ही मत इग्नोर कर दो उसको है ना बस चुप हो जाएगा तो बोलने से ज्यादा गलत जो सुन रहा है वो भी है क्योंकि वो अटेंशन दे रहा है ना इंटरेस्ट दे रहा है बातों में सी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें ना तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करा जाता ना ही प्लुरल की तरह यही वजह है ना तो उनसे पहले कभी ए या एन लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार कहूंगी इसको मैं लिखो ना लिखने की जरूरत नहीं है जब मैं लिखाऊंगी तब लिखो ये पॉइंट तीन चैप्टर में आएगा ए एन से रिलेटेड आर्टिकल में भी आता है नाउन से रिलेटेड नाउन में भी आएगा वर्ब इस पर बैठे तो सब्जेक्ट वर्ब में भी आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी ए या एन नहीं लगता कभी भी हम ए शुगर नहीं कहते क्योंकि ए या एन लगाने का मतलब हम उस चीज को एक बता रहे हैं ए और एन स्टैंड्स फॉर वन और उसके बाद में कभी एस और एस भी नहीं लगाते शुगर्स वाटर्स मिल्क्स कहते हो क्या क्योंकि एस या एस लगाने का मतलब हम उसे एक से ज्यादा बता रहे हैं लेकिन जो है ही अनकाउंटेबल वो ना तो एक ना ही अनेक की तरह ट्रीट होते हैं ना ए शुगर ना शुगर ना ए मिल्क ना मिल्क ना ए वाटर ना वाटर्स होगा हाँ कुछ केस में वाटर्स होता भी है तब उसका मतलब कुछ और हो जाता है वाटर्स मतलब समुद्र इंटरनेशनल वाटर्स टेरिटोरियल वाटर्स तब वो मीनिंग अलग होगा लेकिन बहुत सारा पानी हम नहीं कहते देयर आर मेनी वाटर्स इस चाय में बहुत सारी चीनी है देयर आर मेनी शुगर्स इन दिस टी नो देयर इज मच शुगर मच मेनी क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता मच आता है There is much sugar in this tea. तो मैंने क्या बताया अभी तक ना तो उनसे पहले नहीं है ना ही बाद में एसोरियस लगता अब बात आई वर्ब की वर्ब क्या लगती है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब में तो फोकस वर्ब पर है ना जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी ये हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब हमेशा पहले पॉइंट इसको एलैबोरेट करें देयर आर अनकाउंटेबल नाउन्स देयर आर अनकाउंटेबल नाउन्स वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर देम एंड S or ES after them. A or N before them and S or ES after them. Agla point. Uncountable nouns take Anji. A and N before them. Them. And S or ES after them. Next point. Uncountable nouns take singular verb. Uncountable nouns. एक सिंगुलर वर्ब अब ये कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है मैं अभी लिखवाऊंगी आपको लेकिन एक बहुत ही नोन वेल नोन एग्जांपल लेते हैं मुझे कहना है कि मुझे एक काम है आज करने को आई आई हैव अ वर्क एक काम है ज्यादा नहीं आई हैव अ वर्क टू डू मुझे एक काम है सो आई विल कम लेट टुडे गलती है वन वर्क कह दूं क्या ए बी को वन वर्क कहते हैं वन वर्क ए वर्क कहना सही है नहीं कह सकते क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन आप बोलते क्यों मैडम हम तो बोलते हैं एक काम चार काम दस काम बीस काम हम तो गिनती बताते हैं अब यही तो बात है हिंदी और इंग्लिश एक से चलते तो थिंग्स वुड हैव बीन मच इजीियर तो चीजें आसान हो गई A piece of work is... Work को हिंदी में काम के लिए आप दो चार पांच कितना भी लगाओ लेकिन in English it is considered to be uncountable noun. यही वजह है इससे पहले a and या verb नहीं लगाते या तो हम कहेंगे I have work to do या कह सकते I have some work to do
और अगर एक का सेंस देना ही है, ए तो लगा नहीं सकते, वन लगा नहीं सकते, लेकिन एडिशनल यूनिट लगा सकते हैं. क्या बोला आपने? आई हैव अ पीस ऑफ वर्क. अ पीस ऑफ वर्क हो सकता है, ए वर्क वन वर्क नहीं हो सकता. याद करो बचपन में जब एप्लीकेशन फॉर टीचर लिखाती थी उसमें लिखा आई हैव गॉट अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तब समझ नहीं आता था टीचर ऐसे क्यों लिखाती है, काम का टुकड़ा है करने को, है ना? नहीं, क्योंकि ए वर्क नहीं हो सकता, इसलिए अ पीस ऑफ. अच्छा बहुत सारे काम है करने को, तो क्या मैं कह दूं आई हैव मेनी वर्क्स टू डू? नहीं, काम में ऐसे नहीं लगता, अनकाउंटेबल है ना. तो आई हैव मच वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क, या प्लेंटी ऑफ वर्क हो सकता है. अब ये वर्ब लेते हैं सिंगुलर, आपको भी लैस तो कराई नहीं मैडम आपने, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई. आई के अकॉर्डिंग तो है भी लगेगा ना, वर्क सब्जेक्ट होता. सम वर्क हैज बीन डन, सम वर्क has been done, all the work has a have been done, has been done. But uncountable noun है ना, इसलिए हमेशा singular form देगा, चाहे most of the work कहूँ, चाहे 90% work कहूँ, या all of the work कहूँ, लेकिन work हमेशा singular ही, क्योंकि work uncountable noun. देखो मैं अभी differentiate करती हूँ, एक example देखिए, countable थे और एक uncountable था. पहले मैंने कहा all the boys का मतलब students है, all the students has or have passed the exam. All the students have passed. लेकिन all the work has or have been done. Been को लगा लो passive voice. काम भी नहीं किया, काम को कर लिया गया है. तो all the work has been done. 90% students has or have passed. 90% students have passed. एक बार student होता तभी तो has आता. 90% students have passed. 90% work has or have been done. Has been done. 90% work has been done. One third of the students has or have passed. One third of the students have passed. Countable plural. One third of the work has been done. Half of the students has or have passed. Have. Half of the work has been done. ठीक है ना? अब देखो ना, वहाँ पर भी all some boys have passed, some work has been done. वहाँ तो हम have लगा रहे हैं boys के साथ, लेकिन यहाँ पर work चाहे 90% है, या all the work है, some है, या half है, work है, हमेशा singular verb आ रही, क्योंकि work uncountable noun है, और uncountable nouns singular verb लेते हैं. यही वजह all को जब uncountable के लिए लिया, singular verb आई, always well, all को जब सबके लिए लिया, countable plural की तरह, तब इसके लिए plural verb. अब आपको ये water, milk, sugar तो पता है ना, लेकिन और कौन से अनकाउंटेबल नाउन है जिन पर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमसे गलतियां होती हैं, उन्हें हम लिखेंगे, और जैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हेडिंग डाल दो अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन राइटिंग आती नहीं है.
वेस्टेज भी लिख देना ऐसी ही है वेस्टेज वेस्टेज फर्नीचर सामान होता है पोस्टेज पोस्ट का ज्वेलरी आभूषण क्रॉकरी बर्तन आदि स्टेशनरी दो होते हैं एक ARY और एक PRY ARY स्टेशनरी तो होता है कोई चीज जो स्किल है उसके लिए आता है स्टेशनरी बैंक खड़ी हुई है ऑब्जेक्टिव है नाउन की विशेषता बता रहे हैं लेकिन ये नाउन है मुझे एक सलाह दी हमें पता है वर्क एडवाइस इंफॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल ना इससे पहले एएम नहीं करना ठीक है ना ही गिव मी एडवाइस सम एडवाइस और अगर केक का सेट देना ही हो तो पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है ही गिव मी अभी पीस ऑफ एडवाइस और बहुत सारी सलाह दी तो ही गिव मी मैनी एडवाइस नहीं ही गिव मी मच एडवाइस प्लेंटी ऑफ एडवाइस होगा ठीक है अंदर देखो एज शी गिव मी एन इंफॉर्मेशन नो शी गिव मी इंफॉर्मेशन या अ पीस ऑफ यानी इन सब से पहले जब भी एन लगा मिले या बाद में एस और एस लगा मिले वहीं पर एरर और जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आएगी वर्ब इनी के अकॉर्डिंग लगेगी और वर्ब लेगी हमेशा सिंगुलर सिंगुलर हैव दिया तो हैज कर देना वर्ब तो वाज वगैरह ठीक है ओके अब देखो मैंने बोला हिज हेयर्स आर ग्रे सफेद बालों के लिए वाइट नहीं ग्रे कहा जाता है सारे सर के बालों की भी बात है हेयर्स नहीं कहा जाता हेयर और वर्ब लेगा इज सिंगुलर हेयर इज ग्रे अब दो तीन बालों की बात होती है तो इज टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर थ्री स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कहा जाता है लेकिन हिज हेयर यहां हेयर इज ब्लैक और ग्रे अच्छा जी अब मैंने कहा हिज लगेजेस वर देखो सेंटेंस तो बहुत लंबा हो सकता है बुक वगैरह में दिया होगा लेकिन हम मेन पार्ट यहाँ पर लिखते जैसे There was no porter available at the railway station and it was difficult for him as his luggages were heavy. तो हमने main part of the error लिख दिया. His luggages were heavy. इसका सामान भारी था. Luggages कभी नहीं होता. It is always luggage. और verb लेगा singular. His luggage was heavy. ठीक है जी. आप देखो. She has brought. क्या लाई है? Two breads for lunch today. That is very good. Thank you. Two breads कहना सही है आपको कि हम तो गिनते हैं मैडम दो ब्रेड है चार ब्रेड है एक ब्रेड देना हाँ जी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद एस नहीं आएगा उसे संख्या में भी तो नहीं हम बताएंगे ना नहीं बताएंगे संख्या में क्योंकि अनकाउंटेबल अगर टू लगाना इसके आगे सही होता तो ब्रेड भी सही होता लेकिन एडिशनल यूनिट लगा सकते हैं टू पीसेस ऑफ ब्रेड टू पैकेट्स ऑफ या टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू पैकेट्स तो ज्यादा ही हो जाएगा टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड फॉर लंच फोर स्लाइसेस फाइव स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ठीक है जी और देखो आई हैव आई हैव बॉट न्यू ज्वेलरीज नो आई हैव बॉट न्यू ज्वेलरी किसी शॉप पे मैं जाऊं मैं कहूं प्लीज शो मी या गिव मी सम स्टेशनरीज नो प्लीज गिव मी सम स्टेशनरीज आई वांट टू बाय न्यू फर्नीचर्स नो आई वांट टू बाय न्यू फर्नीचर डेयरीज ऑफ कश्मीर आर
Poetries of Shakespeare are famous. आपने पूरा सही कर दिया क्या सेंटेंस? सीनरी ऑफ कश्मीर आते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? सीनरी। तो आपके तो सिंगुलर लेगा। सीनरी ऑफ कश्मीर ऐसी पोएट्री ऑफ शेक्सपियर तो सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं पोएट्री ऑफ शेक्सपियर जॉन मिल्टन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक की पोएट्री फेमस है या बहुतों की पोएट्री फेमस है? फेमस तो पोएट्री है ना। ऑफ से पहले जो होता है वही तो मेन सब्जेक्ट है। इजी रहेगा पोएट्री ऑफ जॉन मिल्टन कालिदास सीनरी ऑफ कश्मीर एंड स्विट्जरलैंड इज या आर व्यूज तो ऑफ से पहले तो सीनरी है ना मेन सब्जेक्ट इजीली लेगा जैसे लास्ट क्लास में भी हमने करा था द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पैसेज इज या आर इंटरेस्टेड इज सम एंड सब्सटेंस का मतलब निचोड़ किसी चीज का अब मैंने बोला द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पैसेज पोएम्स एंड आर्टिकल्स इज या आर इंटरेस्टेड इस पैसेज की समरी इंटरेस्टिंग है या इस पैसेज की इस आर्टिकल की इस पॉइंट की समरी बात तो समरी की ही है ठीक है ना वर्ब लगती अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट और ऑफ से पहले जो होता है वही तो मेन सब्जेक्ट है कि नहीं ठीक है ना दीज एप्पल्स आर गुड इन क्वालिटी क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज गुड क्योंकि बात एप्पल्स की इसकी क्वालिटी वही बात है पोएट्री ऑफ शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन ऑफ स्टोरी इज फेमस ओके अब मैंने बोला आई वो सेंटेंस लिखती हूँ द चिल्ड्रन आर मेकिंग मिसचीफ्स बच्चे शरारते कर रहे हैं लो मिसचीफ नहीं होगा मिसचीफ होगा और यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो चिल्ड्रन है आर ही देगा है ना यस देखोगे इसके बाद अगली कैटेगरी आएगी नेक्स्ट क्लास में कुछ नाउन जो देखने में प्लुरल लगेंगे लेकिन वर्ब लेंगे सिंगुलर कुछ देखने में सिंगुलर होंगे वर्ब लेंगे प्लुरल कुछ एक चीज की तरह हमें एक चीज है फिर भी प्लुरल की तरह लिखे जाते हैं जैसे एक ही चश्मा है फिर भी उसे स्पेक्टिकल कहना जरूरत है तो ऐसे कुछ नाउन है जो उल्टी सीधी वर्ब लेते हैं तो नाउन को सीखेंगे जिससे वर्ब गलत ना लगे हमसे तो विल कॉल यू इन द नेक्स्ट क्लास कॉल इट अ डे थैंक यू ठीक है बाकी कल करेंगे कल आपने क्वेश्चन बना के लाएंगे ठीक है ये वाले क्वेश्चन